यमुना नदी में डूबी महिला का शव 2 दिन में हुआ बरामद। युवती अभी भी लापता। बागपत जनपद के पुराना कस्बे के पास 2 दिन पूर्व यमुना खादर में नाव डूबने के मामले में लापता एक महिला का शव NDRF की संयुक्त टीम के प्रयास से आज बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व बागपत में कच्चा घाट पर यमुना नदी में एक नाव पलट गई थी, जिसमें 13 लोग सवार थे। ये सभी हरियाणा से बागपत की ओर जा रहे थे। नाव में क्षमता से अधिक लोगों के होने व तेज पानी आ जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के रेस्क्यू में 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि एक युवती नसरीन का शव बरामद हुआ है। 2 लोग इस हादसे में लापता चल रहे थे, जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। आज 2 दिन बीत जाने के बाद एक महिला राजेश पत्नी करण सिंह का शव खेकड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम संक्रौद में यमुना नदी के पास बरामद कर लिया गया है, जिसे पुलिस ने PM को भेज दिया है। वहीं एक मौनी नाम की युवती की तलाश अभी भी जारी है। 9 लोग जिंदा बचा लिए गए हैं। साइना, कृष्णा, सरिता, कृष्णा, नूर हसन, सामीर, इरफाना, वरीशा, शहजाद। ये 2 बॉडियां नहीं मिली थी, 1 बॉडी आज मिल गई है। सकरौत के जंगलों में सूचना मिली थी, हमने यहाँ पे पहुँच गए हैं। रेस्क्यू आगे दूसरी बॉडी की जो है खोज जो है रेस्क्यू जारी है।